श्री भगवान वाच चल रहा है। बहुनी मे वेदितानी जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणी नत्वं वेत्त परंतप। इस श्लोक की विशेषता है, दो दो संबोधन दे दिया भगवान ने यहाँ अर्जुन और परंतप। इनका संक्षेप में अर्थ बता चुका था। ये दिखाना चाहते हैं कि अर्जुन शब्द से तुम उत्कृष्ट तप किया है, इसलिए सरल स्वभाव, और परंतप के आधार पर तुम्हारे बाहुबल भी तेज है। इसीलिए कहने का तात्पर्य निकलता है परंतपत्व या अर्जुनत्व की प्राप्ति तो पुरुष अपनी साधारण पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह सर्वज्ञत्व ये कोई साधारण धर्म नहीं है जो कि तप या बाहुबल से प्राप्त कर सके। आगे कहेंगे 12वें अध्याय में शायद है और अंत में भी आता है, दो बार कहेंगे बात। न वेदेर न यज्ञेर न तपसे तपसा, वेद यज्ञ तप किसी के द्वारा भी यह दानीरवा इत्यादि से श्लोक आएगा बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते। ये संकेत कर रहे अर्जुन को, तुम भले अपने आप को तपस्वी मानो और श्रेष्ठ बाहुबल वाला मान लोगे तो भी तुम्हारे अंदर सर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती है इन चीजों के द्वारा, क्योंकि सर्वज्ञत्व जो है एक असाधारण धर्म है, वह किसी भी क्रिया के द्वारा अलग है जो मुझ में है, जिसकी वजह से मैं उन सकल जन्मों को जानता हूं और तुम अपने खुद के पूर्व जन्म को भी नहीं जानते। और ये बात क्यों कह रहे भगवान, ये इसके दिमाग को देखिए, कितने संबोधनों में कई जगह आपने देखा, कई जगह प्रशंसा कर रहे हैं, कई जगह निंदा पर बिल्कुल है संबोधन। यहां भी हमने दोनों पक्ष बता दिया क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि जैसा कोई शिष्य है उसको सीधे कह दो तो मूर्ख है, गधा है, कुछ नहीं जानता, बेचारा घबरा जाएगा, क्या गुरुजी है तो बिल्कुल एकदम टायर पंचर कर दिए और गाड़ी कैसे चलेगी, उसको क्या करना पड़ता है। इसलिए अध्यात्म में कथन है गुरुओं के यहां, सोनार का चोट देना लोहार का चोट नहीं देना, सोनार का चोट देना लोहार का चोट नहीं देना, समझ में आई। सोनार माने गोल्ड में, गोल्डस्मिथ, जो गोल्डस्मिथ कैसे चोट मारता है, बैंगल बनाने कुछ बनाने धीरे धीरे कट 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 जोर से लोहार के साथ मारेगा तो गया हो, उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाए, पता नहीं पता नहीं कहा सोना ही नहीं मिलेगा, कहाँ चला जाएगा। तो सोनार का चोट में क्या है, धीरे धीरे बहुत बार रहना पड़ता है, और लोहार क्या करता है, एक बार स्लेजर खराक से मारता है तो टुकड़ा। कहते किसी चीज को शेप देना होता है, मूर्ति है बनाता कलाकार, देखिए कितनी चिजल्स रखता है, कितनी छेनियां होती है ना अलग अलग टाइप की, किसी बहुत नोकीला होता है, शुरू शुरू तो उसे मारता है वो, फिर बाद धीरे धीरे बिना नोक में आ जाता है, कम नोक वाला बिना नोक बिल्कुल फ्लैट वाले से मार लगता है लास्ट में, जिसको चिकना बनाता है। माने जिस तरह से एक मूर्ति को बनाने के लिए कलाकार कितनी चोट बड़ी सावधानी से देते जाता है, थोड़ा सा चोट के ज्यादा बढ़ गया तो आंख ही फूट जाएगा, वो मूर्ति का आंख ही फूट गया फिर सारा खेल खत्म, वो मूर्ति किस काम का, बहुत सावधानी से मगरता है। कल यही होता है गुरु का काम, जो शिष्य के अहंकार को चोट देना, एक बैग नहीं मारना लोहार का चोट नहीं, वो हार्ट फेल हो जाएगा, वो भाग जाएगा चोट चाट, उसको शेप करना पड़ता है, उसके धीरे धीरे उसकी बुद्धि को समझाना पड़ता है, या ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा चोट भी देते रहना है, थोड़ा चोट भी दो और फिर कपड़े से पॉलिश करता है, फिर चोट देता है फिर पॉलिश करता है, देखता है ठीक है या नहीं, है ना, ऐसे यहाँ पर भी चलता है। ये सोनार का चोट है, ये अर्जुन परंतप ऐसे जो कौंतेय हे पार्थ ऐसा बोल करके भगवान जो है सोनार की चोट दे रहे हैं अर्जुन रूपी शिष्य को सही से रूप देने के, तभी व्यक्ति को ज्ञानी से बनाना कोई साधारण नहीं, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में बहुत मेहनत है, अज्ञानी को अज्ञानी बनाए रखना बहुत आसान है, हम उसको चढ़ा दो खूब चढ़ा दो, अरे तुमको कुछ करना है तुम तो ब्रह्म है साक्षात, कहाँ तुम सोच रहे हो, यू आर ब्रह्मन गो फिनिश, मूर्ख और महामूर्ख बना के छोड़ दिया, हो गए भाई ब्रह्म, यस आई एम ब्रह्मन, सब पूजा करो मेरी, अब सन्यासी हो गए, लाओ पाठ पर लगाओ, अरे आज तक थाली नीचे रख के खाता था कल, क्या अब क्या हो गया,
लाल पहनने से पाटा जरूरी हो गया, नहीं पाटा है तो जब क्यों टेढ़े आंख से देखेंगे कोठारी को, पाटा नहीं लगाया आज, चौकी चाहिए, उसके बिना रोटी नहीं जाएगी साधु होने की, संन्यास होने के बाद। यह हम ब्रह्मास्मि का हाल है, मूर्ख को मूर्ख बनाए रखने वाली बात है, वो तो आसान है, लेकिन वास्तव में उसको स्टेप बाय स्टेप सिद्धांत को समझा करके इस अज्ञान और अज्ञान के कार्य करते हुए भोक्तृत्व को नाश करता हुआ उसके अहंकार को तोड़ते हुए स्वरूप में ले जाना बहुत कठिन काम। जब अर्जुन जैसे को भगवान को 700 श्लोक लगाना पड़ा है, है? और यहाँ तो पता नहीं कितने समय लग जाएंगे। इसलिए हे अर्जुना, हे परम संबोधन समझाया जा रहा है कि भाई तुम वृक्ष के जैसे, वृक्ष का क्या होता है, वृक्ष में छाल, बार्क, जिसको बार्क कहते हैं, छाल कहते हैं, छाल क्या करता है, असली वृक्ष को ढक के रखा हुआ है। उसी प्रकार से ज्ञान को आवृत किया हुआ है इस समय में अज्ञान के द्वारा, इसलिए तुमको अपने पूर्व जन्म आदि पता नहीं चल रहा है, और मेरे को अज्ञान ढका नहीं है, इसे मैं सारे जन्मों को जानता हूँ। ये अर्जुन एक वृक्ष का नाम है, अर्जुन वृक्ष, हार्ट प्रॉब्लम वाले के लिए पिलाते हैं ना, इसका छाल का पानी, अर्जुन पेड़, इसके छाल मिलते थे पाउडर दुकान में, अर्जुन चूर्ण, अर्जुना चूर्ण, और अर्जुना क्यू होम्योपैथी मेडिसिन बना दिया इसी का, हार्ट पेशेंट्स के, कार्डियक पेशेंट्स के, तो बहुत ही फेमस आयुर्वेद में पेड़ है ये अर्जुन नाम का पेड़। उस पेड़ का नाम के द्वारा अर्जुन के नाम को कथन करके संकेत करना चाह रहे, अज्ञान आवृतो असि अति उत्तम नवेत्थ अहम तो सर्ववेत्थ परम तपोपि सन अर्जुन इव अर्जुनोसि, परम तपोपि सन अर्जुन इव अर्जुनोसि यतः तस्मात् नवेत्थ इति। अथवा अपरंत पर परिच्छेद बता दिया था कल हमने, दूसरी अपरंत पकड़ कर भी आप परिच्छेद कर सकते हैं यहाँ छगन पूर्ववाचन को लेकर के। हाँ, परम माने परम श्रेष्ठ आवरण अविद्या माया, तम तापयितुम अयोग्योसि अतएव अपरंत पोसि इति, ऐसा भी अर्थ लिया गया है भाष्य। या वासुदेव अनिश्वर सर्वज्ञत्व शंका मूर्खाणाम ताम परिहरण श्री भगवान वाचे तो हि अर्जुन से प्रश्न बहुनी दी बहुनी मे वे मम मे मने मम व्यतीता मने अतिक्रांता जन्म तब च हे अर्जुन, और तुम्हारा व्याच समुच्चय अर्थ में, पुरुष श्लोक के समान अनुवाचय में नहीं लेना, इस श्लोक में च जो है समुच्चय अर्थ में, मेरा तो हुआ ही है तुम्हारा भी हुआ है, जब मेरा बहुत हुआ है तो इसका मतलब तुम्हारा तो असंख्य हुआ है, ऐसा अर्थ इसको समझना है। तो हे अर्जुन तानि अहम वेद जाने सर्वानी, उनको मैं जानता हूं सब जन्मों को, न तुम वेत्थ न जानी शेती, तुम नहीं जानते हो। धर्मा धर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्व, देखो संकेत कर दिया ना कि धर्म अधर्म आदियों से प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति वाले तुम हो, तुम्हारी ज्ञान शक्ति है धर्म अधर्म आदि प्राप्तिबद्ध ज्ञान, नहीं वो गलत छाप दिया, प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध ही ठीक है, आप है ना बीच में आपको काट देना बस, प्रवृत्ति रख दीजिए आपकी में की रहेगा, प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्व अहम पुनः, क्यों हमारे ही धर्माधर्म से प्रतिबद्ध शक्ति हम हैं, और आपका जो है आप ही जन्म जब लिए हो, मेरा भी जन्म आपका भी जन्मत्व सादृश आप अनुमान बना सकते हैं ना, अर्जुन अनुमान कह सकता है तुम कृष्ण अपी धर्माधर प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तिमान जन्मवत्वाद अस्माकं वत् मेरे जन्म के समान, कि मैं जन्म वाला हूँ इसे मेरे को तुम कह रहे हो धर्माधर्म से प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति वाले हो, आपका भी जन्म हुआ है इसका मतलब आपका भी धर्माधर्म से आपकी प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति वाली हो आप भी होनी चाहिए। तब भगवान कहते नहीं नहीं तुम में हम में अंतर है, दोनों जन्मों में भी अंतर है, हमारा जन्म इव जन्म तुम्हारा जन्म ये अंतर है। अगले श्लोक में कहेंगे भाष्यकार हाँ अजो पिसन समझाएंगे भगवान, इसलिए मैं अज हूँ ज नहीं हूँ, मैं ज हुआ ही नहीं कभी, मैं तो सदा अज ही रहा अजन्मा ही हूँ सदा,
इसे कहते हैं, तो अगले श्लोक स्पष्ट होएगा। इतना भाष्यकार समझा रहा, हम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्ता अनावरण ज्ञान शक्ति इति वेद अहम हे परंतप। मैं पुनः कैसा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, इसलिए अनावरण ज्ञान शक्ति, मेरी ज्ञान शक्ति आवृत नहीं है, अनावृत ज्ञान शक्ति वाला होने के नाते मैं उन सबको जानता हूँ, हे परंतप। पूर्व पक्ष कथम तरित नित्य ईश्वर से धर्माधर्म भावे अपनी जन्म, यदि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हो, ईश्वर हो, धर्माधर्म से रहित हो, फिर आपका जन्म कैसे हो गया, कथम जन्म इत्युच्यते अजोपीति अजोपीति। तब ब्रह्मसूत्र लाएंगे, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत्, ब्रह्मसूत्र है शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो, यह मसूत्र नहीं, दूसरी पंक्ति एक एक दस वन वन टेन, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश हो वामदेवत इति न्यायेन संभवति, ऐसा संभव कर रहा। अनेक ब्रह्मसूत्र लाएंगे, थोड़ा मसूनी इसमें जरूर जाना है, बहुत विलक्षण मसूनी कहेंगे, नीलकंठिकार बहुत विलक्षण बातें कहेंगे। कथम तरित नित्येश्वर से धर्माधर्म भाव जन्म इतुच्छते अजोपि सन्निधि अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजोपि सन्नपे आत्मा। कहते कि देखो, इसमें श्रुतियों के आधार पर ही बोल रहे सारी बात, स्मृति है, अजायमान बहुधा जायमान जायते, तैत्तिरीयारण्यक में आया हुआ है, 3:13:5 3:13:3 अजायमान बहुधा विजायते, उसके अजोपि सन संभवान, अजोपि सन संभवानी, अजोतो वे मैं जन्म लेता हूं, अव्ययात्मा भी सन, और अव्ययात्मा होने पर भी, अव्ययात्म से तात्पर्य आत्मज्ञान, अव्यय ज्ञानवान होने पर भी, आत्म शब्द कर लेंगे ज्ञान, अव्यय ज्ञानवान होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, और भूतों का ईश्वर हो तो भी भूतों के धर्म से असंबद्ध भी हूं मैं, भूतों का सर्वांतर्यामी होकर के सकल के आत्मा बन करके, सकल भूतों का आत्मा होकर के, सकल भूतों पर अनुशासन करने वाला होने पर भी इन भूतों का धर्मों से मेरा कोई संबंध नहीं, भूतानाम ईश्वरोपि सन, ऐसा होता हुआ भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मेरी अपनी प्रकृति, प्रकृति स्वतंत्र नहीं, प्रकृति स्वाम शब्द कह करके सांख्यिक प्रकृति का खंडन हो गया, सांख्यकार लोग जो कहते हैं प्रकृति कैसा है, पुरुष से स्वतंत्र है, पुरुषाधीन नहीं है, और यह भगवान कहते हैं स्वाम मेरी है, ये नहीं मेरी अधीन है, मेरी किसको कहते हैं आप, जो जिसके अधीन हो उसका नाम मेरी, मेरा या मेरी वस्तु है जो कहा जाता है, मेरी माया है, मेरा ये घड़ी है जो उसी को कहा जाता, जो आपके अधीन होगा, जो आपका अधीन नहीं वो मेरा आप नहीं कह सकते, मेरा या मेरी, इसलिए अस्वतंत्रता का वाचक का एक तरह से यहाँ स्वाम शब्द, प्रकृति की अस्वतंत्रता का द्योतन कर रहे हैं, इसलिए सांख्यादि का मत का निराश हो जाता है, स्वतंत्र स्वाम प्रकृति अधिष्ठाया आत्ममाया, और मेरी प्रकृति कहाँ रहती है, मेरे से अलग दूर रहती है क्या, यदि कोई कहे आपकी जो चीज होती है आपसे अलग और आप कहीं दूर भी रख सकते हैं आप, है या नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी माया कहीं और रहती होगी, कहीं रखे होंगे आप, जब जाते वह उसको लाते और इस्तेमाल करते हैं, कहते नहीं नहीं आत्ममाया वो मेरे से अभिन्न शक्ति है, मुझ में कल्पित होने से मुझसे अभिन्न है, जो कल्पित होने के नाते वो अभिन्न होती है शक्ति, वैसे आत्मा में कोई माया नाम की चीज भी नहीं है, अविद्या भी नहीं है, इसलिए आत्ममाया स्वस्मिन् कल्पित स्वाभिन्न आत्मिका माया शक्तिया स्वाम ताम मायाम प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। प्रकृति शब्द का प्रयोग करके बहुत बड़ा याद दिला रहे हैं, अनेक पुराणों में जो प्रकृति की व्याख्या कर रहे हैं, इसे ब्रह्म वैवर्त पुराण बहुत सुंदर कहते हैं, और बृहद विष्णु पुराण में भी जो श्लोक आया हुआ है
बाद श्लोक में बता रहा हूँ। प्रकृति शब्द का अर्थ कितना सुंदर करते हैं, प्र कृति ऐसे दो भाग कर दिया है भी, प्र उपसर्ग है, कृति एक पद है ही, और दूसरे ने क्या किया, प्र अलग क्री अलग ती अलग कर दिया, और अर्थ सुंदर बता रहे। देखिए पुराण ब्रह्म पुराण का श्लोक है, प्रकृष्टवाचक प्रश्च, प्रकृष्ट वाचक प्रश्च, कृतिश्च सृष्टिवाचक, कृतिश्च सृष्टिवाचक, सृष्टौ प्रकृष्टाया देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता, सृष्टौ प्रकृता या प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। कदे प्र प्रकृष्ट का वाचक और कृति सृष्टि का वाचक, सृष्टि में जो प्रकृष्ट देवी है उसी का नाम प्रकृति। क्या है वो, अविद्या माया ही है, यही सृष्टि के कारण भी तो देवी है। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, गुणे प्रकृष्टे सत्वे च, गुणे प्रकृष्टे सत्वे च, प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ, श्रुति में जो मायां तो प्रकृति विद्या मायनम तो महेश, वहां प्रकृति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्मवेत्त पुराण में, और श्रुति में जो प्रकृति शब्द आया उस प्रकृति में जो प्रशब्द है वह सर्वोत्कृष्ट प्रकृष्ट सत्गुण का वाचक है। गुणे प्रकृष्टे सत्वे च वर्तते, प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ, प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ, मध्य में कृश्च राजसी, मध्य में कृश्च राजसी, जो क्रीपद है वो रजगुण, क्यों क्री डुगरी करने कर्तरे करना, करना जो क्रिया है प्रवृत्ति है रजगुण का स्वभाव है, इसे कृश्च क्या कह दिया रजसी। ती शब्द तामसी स्थित, और ती शब्द तामसी स्थित, क्यों तकार आदित्य सामान्य, ती वित्ता से आरंभ होता है, तमोगुण भी त से आरंभ हुआ है, तकार आदित्य सामान्य क्या संबंधात जो है आदि सामान्य क्या कर दिया, ती से तमोगुण ले लिया, इसलिए उसका नाम प्रकृति हो गया, त्रिगुणात्मक प्रकृति। सृष्टि का मूल कारणीभूता सर्वोत्कृष्ट प्रकृष्ट जो कारणभूत तत्व है उसका नाम प्रकृति है, जो कि त्रिगुणात्मिका है। इस ब्रह्मवेत्त पुराण खंड एक, और इसकी व्युत्पत्ति सीधे सीधे करना है तो प्रकृष्टा कृति सृष्टियात्मिका यस्या सा प्रकृति, प्रकृष्ट कृति मने सृष्टियात्मिका कृति होती है जिससे यस्या सा प्रकृति बहुव्रीहि समास, प्रकृष्टा कृति ही सृष्टियात्मिका, सृष्टियाद्यात्मिका के सृष्टि क्यों लेना, सृष्टियादि सृष्टि स्थिति और लय ये सब कुछ होती है जिससे, उसका नाम प्रकृति। स्वाम दिष्टाय संभवामि आत्ममाया, शंका का मूल आधार यही है, कर्मणा जायते जंतु हो कर्मणैव प्रलीयते, कर्मणा जायते जंतु हो कर्मणैव प्रलीयते, आपने अपना जन्म माना मैंने आपकी मृत्यु होगी, इसके बाद आप भी कर्मवान हो, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे आप ईश्वर होने पर भी आपके कुछ कर्म होंगे, वो कर्मों की वजह से पुण्य पाप कर्म आपके बराबर होता है, जब तो मनुष्य शरीर आप भी धारण करते हैं, जैसे आप हमारे लिए व्यवस्था देते हो पुण्य कर्म ज़्यादा है तो ऊपर के लोगों में पाप कर्म ज़्यादा है, नीचे लोगों में मिश्र हो जाए समान लगभग हो जाए तब तो मनुष्य जन्म, इस तरह से आपका भी जन्म हो रहा है तो आपके कर्म की वजह से जन्म मानना पड़ेगा, आपका शरीर का खत्म होना कर्म की वजह से मानना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य रूपेण वेदांत सिद्धांत है, तब जवाब में कहेंगे वास्तव में भाई तेरा भी जन्म नहीं मेरा भी जन्म नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई तो यह है न तुम्हारा कोई जन्म हुआ न मेरा कोई जन्म, क्यों कार्योपाधि रयम जीवा कारणोपाधिस्तु ईश्वर, सामान्य दोनों ही औपाधिक है जन्म का हुआ किसी का, कार्योपाधि
अयम जीव कारणोपाधिस्तु ईश्वर। ये सामान्य वेदांत सिद्धांत जब है तो जीव और ईश्वर दोनों ही उपाधि कही है तो किसका जन्म हुआ किसका मरण हो रहा है, न किसी का जन्म है न किसी का मरण है। जन्म मरण केवल का आधार अज्ञान है। ये पुरुष लोक में अर्जुन ने संकेत कर दिया था अज्ञान रूपी आवरण की वजह से तुम्हारे जन्म मरण का चक्कर है और तुम्हारा भूत बीता तुम नहीं जानता। और तुम्हारी दृष्टिकोण से कहा जा रहा है मेरा भी बहुत जन्म हो गया है। ये कैसे हुआ? अजो प्रसन्न भयात, मेरा वास्तव में जन्म है नहीं। इन अज्ञानी का दृष्टिकोण से कहा जाएगा भगवान का अवतार हुआ, वो जन्म लिए, उन्होंने लीलाएं की, मित्र राक्षस को मार डाला, धर्म का संस्थापन कर दिया, साधुओं की रक्षा कर दी, व्यवस्था कर दिया। ये अज्ञानी का दृष्टिकोण से ईश्वर का जन्म की कथा है। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिर ईश्वर, सिद्धांत के आधार पर वास्तव में दोनों का जन्म नहीं है। पहले भाष्य पूरा पढ़ लेते हैं, कोई साधारण है उसके बाद टीका में जाए। बहुत ही अच्छा टीका यहाँ, अजोपि मान जन्म रहितोपि सन, जन्म रहित होने पर भी तथा अव्यय आत्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभावोपि सन। देखिए भाष्कर क्या करते हैं, ज्ञान आत्मा का अर्थ ज्ञान, अव्यय मने अक्षीण, आत्मा मने ज्ञान, शक्ति है स्वभाव है, शक्ति स्वभाव है जिसका, उसको कहते अव्यय आत्मा। अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपिसन, अपिसन को सर्वत्र अन्वय कर दिया इन्होंने, कि आगे भी है ही अपिसन, पूर्व वाले में अपिसन था, बीच में जो अव्यय आत्मा है उसमें भी अपिसन को जोड़ ले रहा है। अजो पिसन अव्यय आत्मा पिसन भूतानाम ईश्वरो पिसन तथा भूतानाम ने ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतानाम ईश्वर ईश्वर शीलोपिसन, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत कीट पर्यंत सारे चीजों का ईश्वर हो अर्थात उन पर अनुशासन करने के स्वभाव वाला होने पर भी प्रकृति स्वा मम वैष्णवी माया त्रिगुणात्मिका, मेरी जो अपनी माया है वैष्णवी माया है, और शैव बोलेंगे शांभवी माया है, और ब्राह्म सिद्धांत वाले माने वाले ब्राह्मी माया कह देंगे, फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और त्रिपुरा रहस्य प्रसाद में इंसान को त्रिपुरा देवी कह देंगे, त्रिपुर सुंदरी, तीनों पुरों को सुंदर बना के दिखाने वाली त्रिपुर सुंदरी है। अरे वो माया ना हो तो तीनों पुर सुंदर कहाँ लगेगा, सब माया का खेल है कि त्रिपुर सुंदर लगता है, नहीं तो इससे भीभत्स कुछ भी नहीं, चमड़ा उतार दो तो देखने नहीं आता, उल्टी आ जाएगी है, ये चमड़े को ऐसे बना दिया है, कमाल कर दिया, यहाँ बाल नहीं दिया, यहाँ बाल नहीं दिया, नहीं तो इसे सुंदर लग रहा है, ऐसा बाल ही बाल हो जाता तो लगते चिंपांजी आ गया कौन देखता फिर इसको, डर के भाग जाएंगे सब माया का खेल, इसे इसके नाम रख दे त्रिपुर सुंदरी देवी है, ये तीनों पुरों में सौंदर्य को प्रदान करने वाली होने से त्रिपुर सुंदरी। मम वैष्णवी माया त्रिगुणात्मिका यस्याः वशे सर्वं जगत् वर्तते यया मोहितं सत् स्वं मातानं वासुदेवं न जानाति। बहुत सुंदर बात कह दिया भाष्यकार ने, यहाँ जिसके वश में आने से सारी दुनिया इस जगत सर्वम जगत वर्तते, सारी दुनिया चल रही है, फिर रही है, रह रही है, और जिसके द्वारा मोहित होते हुए अपने ही आत्मभूत उस वासुदेव को कोई नहीं जानता, सम आत्मभूतां वासुदेवम न जानाति ताम प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, ऐसी जो वह मेरी प्रकृति है उसको अधिष्ठित होकर के उसको अपने वश में रखकर, जिसके वश में दुनिया नाच रही है वह मेरे वश में रहती है, ये भगवान का अजय, मेरे को वो नचाती नहीं है, मैं उसे नचा लेता हूँ, जैसे चाहे वैसे उसको लेकर के मैं अनेक शक्लों को बना लेता हूँ, मन मैंने जो चाहे सो कर लेता हूँ। ये मोहितम सत् स्वम आत्मानं वासुदेवं न जानाति, या वासुदेव के वसुदेव सपत्यम वासुदेवं नहीं लेना, किंजि स्वम आत्मानं वासुदेवं कह दिया, जो अपनी आत्मा हर जीव का अपना आत्मा
वासुदेव कह दिया, या वसुदेव गृह उत्पन्नम वसुदेव अपत्यम, यह अर्थ नहीं हो सकती, इसे अलग लेना पड़ेगा। जो हम श्लोक बोलते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते, वासनात् वासुदेवस्य ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्याम् जगत्। इसको कह दिया पहले पाद में वासनात् वासुदेवस्य वासुदेवत्वं संपूर्ण जगति व्यापनात् आच्छादनात् वासना वस आच्छादन है, फिर वासितं भुवनत्रय येन इदं भुवनत्रयं वासितं भवति स वासुदेवः समष्टि रूपं। फिर आगे क्या कह दिया सर्वभूत निवासोऽसि, सर्वभूत है निवास जिसका, सकल भूत है निवास जिसका, मानी वेष्टि में आ गया, निर्गुण निराकार सगुण साकार समष्टि सगुण साकार वेष्टि वासुदेव नमस्ते, वो तत्व का नाम वासुदेव। जो निर्गुण निराकार है सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, वही सगुण साकार समष्टि रूपेण भासित होता त्रिगुण लोक त्रिगुण त्रिलोकात्मक रूप है, और वही फिर वेष्टि में जीव भाव में भासित होता है। ऐसा जो वासुदेव है वह सभी का आत्मा ही है ना, सर्वभूत निवास हो सभी को आत्मा होने के नाते ताम माया से को, लेकिन इस माया के वजह से जान नहीं पाते हैं, न जानाती ताम प्रकृति समिष्ठाय वशीकृत्य संभवामी देहवान इव भवानी। देखो संभवामी सम्यक भवानी, तुम तो जन्म लेते हो, मैं सम्यक जन्म लेता हूं का मतलब क्या, सम जोड़ दिया ना उपसर्ग, कहते वो इव अर्थ में है वास्तव, मेरा जन्म सम्यक है का मतलब है ही नहीं वास्तव में, तुम्हारा जन्म होता है लेकिन मेरा जन्म सम्यक है का मतलब हो गया भाष्यकार इसे कर दे देवान इव भवामी, संकार कर दिया इव भवान जात इव, कहने का मतलब जन्म लिए के समान दिखाई देता हूं दुनिया को, यानी वास्तव मेरा जन्म होता ही नहीं। आत्ममाया आत्मनो माया, मैंने अपनी ही माया से, और माया जो मेरी है कहीं दूर नहीं रहती है, वो कहीं अलग में डिब्बे बंद करके नहीं रखता, वो तो मेरे से अभिन्न है, इसे कहते हैं आत्मनो माया। न परमार्थ तो लोकवत, न परमार्थ तो लोकवत इति, परमार्थतः लोकवत मतलब जीवों का जैसे जन्म होता है वैसा नहीं। इस विषय में भी सब अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें कही है, विष्णु पुराण महाभारत भागवत तीन जगह श्लोक सुना रहा हूं मैं, कि भाष्यकार देहवान इव जो बोल रहे हैं उसके आधार है सर। यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्त विधानतः, स सर्वस्मात् बहिष्कार्य कर दिया। जो व्यक्ति यह जानता है मानता है कि भगवान परमात्मा कृष्ण का भौतिक शरीर है, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रौत स्मार्त विधानतः, कोई भी श्रव स्मार्त आदि विधि विधान का कर्म करते हैं उस व्यक्ति को उसके अंदर आने नहीं देना, बहिष्कार कर दो दूर कर दो, ऐसे महानास्तिक है आत्म तत्व परमात्म तत्व को समझाए नहीं, ऐसे धूर्तों को दुष्टों को पवित्र स्थान में आने नहीं देना चाहिए, दूर रखना चाहिए। जो कहता है भगवान का जन्म हुआ उसका भौतिक शरीर है और बाण से मर गया, ऐसे कहने वाले मूर्खों को बिल्कुल पास में फटकने नहीं देना, दूर भगाओ उसे, दूरी रखो। विष्णु पुराण महाभारत में कहा जाना भूत संग संस्थानो देहो अस्य परमात्मनः, अस्य परमात्मना देहो न भूत संग संस्थान,
भूतों के समूह से बना हुआ एक संस्थान विशेष नहीं समझना चाहिए। महाभारत भागवत में कहते अस्यापि देव वपुष मद अनुग्रहस्य अस्यापि देव वपुष मद अनुग्रहस्य मद अनुग्रहस्य ये जो देवमय दिव्य शरीर है यह भी मेरा अनुग्रह जनता पर करने के लिए। स्वेच्छमयस्य च भूतमयस्य न कोपि स्वेच्छमय है ये अपनी इच्छा से बनाई हुई है और न भूतमयस्य कोपि इसमें भूत की प्राचुर्यता नाम का चीज बिल्कुल नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कहा देहवान इव जात इव समझना चाहिए। इसकी टीका मधुसूदनी कहते हैं ननु अतीत अनेक जन्मत्व आत्मना स्मरसी चेत तर्री जाति स्मरो जीवहत्व। इसको क्या कहेंगे जाति स्मर वाला क्लेरवाइंट अंग्रेजी में क्लेरवाइंट कहते हैं। अनेक पिछले जन्म सब याद है उनको तुम भी ऐसे विशिष्ट जीव हो इतना ही तो फर्क है आखिर में आप भी जीवात्मा ही है विशिष्ट जीवात्मा है पिछले जन्म सब आपको याद है। यदि आप अतीत अनेक जन्मों का जानने वाला जन्मत्वम आत्मन स्मरसति अपने अनेक जन्मत्ता का स्मरण करते हो तो जाति स्मरो जीवस्तम फिर तो आप जाति स्मर वाले हो ऐसे समझो। क्यों और आगे परजन्म ज्ञानमपि योगिन सार्वात्मान और लेकिन दूसरे का भी जन्म को तो ज्ञान है मेरे को तो क्लेरवाइंट को तो नहीं होता है कहते ना फिर तो आप योगी भी है मान लूंगा योगी तो दूसरों के बारे में भी सब जान लेता है ना आप योगी होता हुआ विशिष्ट जात समर जीव है आप यही कहता है सर्वात्म अभिमान शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वाम देती न्याय न संभवती इस न्याय से ब्रह्म सूत्र का भाव संभव है तथा चाह वो सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं वामदेव जीवो भी अहम मनुरभवम सूर्यश्चहम कक्षीवान ऋषि रश्मि विप्रह इत्यादि दासतयाम इत्यादि मंत्र है। दासतय किसको कहते हैं दस ब्राह्मण से विशेष शतपत ब्राह्मण का विशेष भाग को दासतय ब्राह्मण कहा जाता है ये उपनिषद मंत्र है ये दासतय अहम मनुरभवम सूर्यश्च भम इत्यादि अतएव च न मुख्य सर्वज्ञत्वम कहने का मतलब आप में भी मुख्य सर्वज्ञता नहीं है योगियों में जैसा होता है वैसे गौण सर्वज्ञता है इसे पूर्व पक्ष बता रहे थे शुरू में ननु से जिसके जवाब श्लोक से शुरू होगा तथा च इत्यादि तथा च कथम आदित्यम सर्वज्ञम उपदिष्ट वनसी अनीश्वर सन इसलिए आप अनीश्वर होता हुआ आप आदित्य को उपदेश देने वाला नित्य सर्वज्ञेश्वर कैसे हो सकते हो नहीं हो सकते हो नहीं जीवस्य मुख्यम सार्वज्ञम संभवती व्यष्टि उपादेहे परिच्छिन्नत्वेन सर्वसंबंधित भावात् कि जीव के अंदर मुख्य सर्वज्ञता नहीं हो सकता क्योंकि व्यष्टि उपाय से परिच्छिन्न हो जाता है तो सर्व उपाय संबंधी वो नहीं हो सकता है। समष्टि उपाधिरपि विराज स्थूल भूतोपाधित्वेन सूक्ष्म भूत परिणाम विषयम माया परिणाम विषयं च ज्ञानम न संभवति समष्टि उपाधि में भी ले लोगे विराट है जैसा मान लो विराट को भी अपने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं है जैसे आप स्थूल शरीर वाले हो आपको अपने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं है कुछ भी ऐसे विराट स्थिति भी मान लोगे वो स्थूल उपाधि है उसको भी अपने सूक्ष्म उपाधि का ज्ञान नहीं है अपने कारण तथा माया का ज्ञान उसको भी नहीं है। स्थूल भूतोपाधित्व सूक्ष्म भूत परिणाम विषय माया परिणाम विषय च ज्ञानम न संभवति तथा च इसलिए एवं सूक्ष्म भूत उपाधर भी मान लो हिरण्य गर्भ ले लूं फिर वो भी अपना कारण तो ईश्वर को नहीं जानता सूक्ष्म भूत उपाधर भी हिरण्य गर्भ से तत्कारण माया परिणाम आकाश आदि सर्ग कर्म आदि विषय ज्ञान भाव सिद्ध एवं वो हिरण्य गर्भ को भी अपना कारण तो माया उस माया जो खेल खेलती है आकाश आदि क्रम से उन चीजों के बारे में उसको भी कुछ ज्ञान नहीं है। तस्माद् ईश्वर एव कारणोपाधित्वात् अतीत अनागत वर्तमान सर्वार्थ विषय ज्ञानवान
मुख्य सर्वज्ञ, इसलिए वास्तव में ईश्वर में ही मुख्य सर्वज्ञता है, बाकी सभी में हिरण्यगर्भ में भी गौण सर्वज्ञता है। सभी उपाधियों में हिरण्यगर्भ से लेकर के सारी उपाधि वाले गौण सर्वज्ञ हो सकते हैं, मुख्य सर्वज्ञ तो एकमेव मायावच्छिन्न ईश्वर में ही है। अतीत अनागत वर्तमान विषय मायावृत्ति त्रयम् एकैव सा वा सर्वविषय मायावृत्ति इति अन्यत्, क्योंकि जो है अतीत अनागत वर्तमान विषय मायावृत्ति तीन मान लिया जाता है, अथवा एक ही माया त्रिधा वृत्ति रूप में दिखाई देती है, ऐसे भी सिद्धांत तो कोई आपत्ति नहीं है। तो भी उस माया, क्योंकि माया क्योंकि दो प्रकार का देखा जाता ना, माया भी पुरूप ही है, बहुवचन है माया तो प्रकृति में दिया एक वचन है, दो मत तीसरे एक वचन वाले कहते हैं एक ही मेव अद्वितीय माया है, वह आत्मा से तादात्म्य होकर के सारे चीजों का अध्यारोपण करती है और वह अनेक प्रकार बने सृष्टि स्थिति और लय कारणता जो सत्व रज तम रूपेण परिणत होकर दिखाई देती है। और जो कहते हैं बहुवचन व्यवस्था है तीन रूप मान लो, सत्वात्म्य का माया अलग, रजात्म्य का माया अलग, तमात्म्य का माया अलग मान लेते हैं, तीन माया का स्वरूप मान लेते हैं, जैसा भी कोई दिक्कत नहीं श्रुतियों के, इसलिए वाक कर दिया, खंडन नहीं कर रहे हैं, दोनों पक्ष अनुकूल ही है। तस्य च नित्य ईश्वर से सर्वज्ञस्य धर्माधर्माद्यभावेन जन्मैव अनुपन्नम्, नहीं उस ईश्वर का कभी जन्म होता ही नहीं, और आपका जन्म हुआ है तो आप ईश्वर नहीं हो सकते, आप ईश्वर है तो आपका जन्म नहीं हो सकता, ऐसे झगड़ा हो गया, इसलिए अपने आप को ईश्वर बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हो, या तो आपका जन्म झूठा है आप ईश्वर यदि है तो, या तो जन्म सत्य है तब ईश्वर नहीं है, दो में एक फैसला करो अभी क्या होगा। इसलिए कहते हैं तथा च, इसलिए अतीत अनेक जन्मवत्तम तो दूर उत्सर्गमेव, इसलिए अतीत अनेक जन्म हुआ आपका उन सबको मैं जानता हुए कहना असंभव है, आप ईश्वर है तो। तथा च जीवत्वे, इसलिए जीवत्व मान लिया जाए तो सार्वज्ञ अनुपत्ति, ईश्वरत्वे च देह ग्रहण उत्पत्ति, शंका द्वया, ये दो शंका है। और दूसरी शंका क्या है, परिहरण अनित्यत्व पक्ष से भी परिहारम्भ, और अनित्यत्व पक्ष भी आ जाएगी, यदि आप जन्मादि वाले अपने आप को मानोगे फिर आप तो अनित्य हो जाओगे। तो इन सारे पक्षों का परिहार करते हुए ये जवाब दिया रहा है अजो पिसन नब्बे आत्मा इत्यादि योग।